आपल्या बरोबर नॅश हुसरत अली आहेत, ज्या नागपूरच्या काँग्रेस महिला अध्यक्ष आहेत आणि विशेष म्हणजे या क्रिकेटर आहेत. यांनी रणजीमध्ये विदर्भाचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. त्या भारत जोडो यात्रेमध्ये चालत आहेत. मॅम, सबसे पहिले बताइए, आप एक प्लेयर भी थी, अभी आप यंगेस्ट नागपूर में महिला काँग्रेस की अध्यक्ष भी है. यात्रा में आप चल रही है, क्या लगता है ये जिस उद्देश्य के लिए यात्रा निकली है सफल होती दिख रही है आपको? बिल्कुल मैडम, जैसे इस यात्रा का जो एक नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, क्यों? क्योंकि जो केंद्र में लोग बैठे हैं उन्होंने दिल और दिमाग में नफरत कूट कूट के भर दिया है. हिंदू को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ कर दिया है. भारत की जो संस्कृति है, भारत एक सभी धर्मों को मिला करके भारत बनता है, लेकिन आज देश में जिस प्रकार का माहौल है तो उसके लिए राहुल जी ने जो आगे आकर के स्टेप लिया है, सभी नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन राहुल जी ने वो करके दिखाया. उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना कि 3,500 किलोमीटर वो पैदल चले. ठीक है, राहुल जी ने करके दिखा आपका कहना है, लेकिन अभी आप है, आप नागपुर में काम करती है कांग्रेस का, नागपुर आरएसएस का गढ़ माना जाता है, कितना चैलेंजिंग होता है आपको वहाँ काम करना? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे मेरी महिलाओं पर पूरा भरोसा है. मेरी महिलाएं जो है वो जिस तरीके से काम कर रही है तो वो अपने आप में मतलब एक शक्ति उभर के दिख रही. कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से महिला कांग्रेस की वजह से बैकफुट पे है वहाँ पे. अच्छा, आप एक खिलाड़ी भी है, आपने विदर्भ का प्रतिनिधित्व भी किया है, आपके स्पोर्ट्स के करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए. मैं एक्चुअली मैम, मैं मीडियम पेस बॉलर थी. अच्छा, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, और मेरा बॉलिंग एक्शन जो है वो समहाउ डियोन नैश की तरह है, जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है. okay. तो वो टाइटल मुझे वहीं से मिला है. okay, great. तो नाउ दिस नेम इज ऑन माय गैजेट्स आल्सो. अच्छा, और यहाँ पे जो आने का जो आपने पहले पूछा मुझे, भारत जोड़ो यात्रा में एक जज्बा है. देश में एक दांडी यात्रा हुई थी जो इतिहास में हुई थी. हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ सुना था, लेकिन उसके बाद ये सबसे लंबी यात्रा है जिसे मतलब मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ. हमारी प्रदेश अध्यक्षा संध्या सवाला के, जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम सब अध्यक्षों को इतना बूस्ट करके रखा मैम कि हमें एक नई एनर्जी मिलती है. नाना भाऊ पटोले जी, मतलब अपने आप में ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने युवाओं को तो चांस दिया है, लेकिन आरएसएस के जो धरती जिसे बोलते हैं नागपुर, वहाँ पे पहली बार किसी मुस्लिम लड़की को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया. आप महिला अध्यक्ष भी है, मुस्लिम अध्यक्ष भी है और यंगेस्ट भी है, कितना चैलेंजिंग है, कितनी आप खुद को अपॉर्चुनिटी में देखती है? मैम, संगठन में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, जो काफ़ी सीनियर्स हैं उनको माँ समझ के लेके चलती हूँ, युवाओं को जोड़ने का काम कर रही हूँ, क्योंकि जब तक कांग्रेस में युवा नहीं जुड़ेंगे, वोट परसेंटेज नहीं जुड़ेगा, तो दिक्कतें होंगी. लेकिन आज जिस हिसाब से मुझे कुछ रिपोर्टर्स ने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो ये पड़ चुका है. जिस तरीके से लोग आकर के राहुल जी को मतलब गर्मजोशी से मिलते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि राहुल जी उनके लिए एक उम्मीद बन गए हैं. आपको लगता है ये लड़ाई है वो आसान है? कितनी चैलेंजिंग देखती है, चैलेंज देखती है? देखिए मैडम, चैलेंजिंग है, इजी कुछ भी नहीं होता है. इजी कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज देश में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, मीडिया कैप्चर हो जाता है, पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल हो जाता है. हाउस में जब हमारे नेता बोलने लगते हैं, उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं. नरेंद्र मोदी जी, 750 किसान हमारे मारे गए, उनको उन्होंने खालिस्तान से जोड़ा, 750 शब्द संवेदना के नहीं कहे, लेकिन जैसे ही यूपी चुनाव आया, आपने फटाक से आकर के 3 काले कानून वापस ले लिए, क्योंकि उनको डर है. नरेंद्र मोदी जी एंड कंपनी सिर्फ सत्ता के लालची है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं. अब GDP पे बात क्यों नहीं करते? इस वक्त हम बांग्लादेश के भी नीचे हैं, नेपाल के भी नीचे, भूटान के भी नीचे. हम कॉम्पिटिशन से पाकिस्तान से करेंगे क्या? आप महिला सुरक्षा पे बात क्यों नहीं करते? आप महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नानाभाऊ पटोले जी, उन्होंने एक युवाओं में एक नई एनर्जी भर दी है, और हमारा हर कार्यकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय होके खड़ा है.
चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। आप एक खिलाड़ी है तो मैं आपके थोड़ी सी एक विनती करनी चाहूंगी, अगर मेरे साथ आप थोड़े साथ दौड़ेंगी तो अच्छा लगेगा। तर या होत्या नॅश नुसरत अली की, ज्या नागपूरच्या महिला काँग्रेस अध्यक्ष आहेत, मुस्लिम आहेत, महिला आहेत आणि सर्वात युवा महिला अध्यक्ष आहेत आणि त्या या भारत यात्रेमध्ये अगदी सुरुवातीपासून सामील झाल्या असून शेवटपर्यंत म्हणजे बुलढाण्यापर्यंत त्या सहभागी होणार असून जम्मू काश्मीरमधील देखील त्या सहभागी होणार आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवी चव्हाणसह मेघा कुचिक, झी मीडिया, हिंगोली। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे